इमेजिन कीजिए कोई टेक से जुड़ा बंदा आपके पास आता है और वो एआई से जुड़े फायदे और नुकसान बताने लगता है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको वो जानकारी काफी आउटडेटेड सी लगेगी और आप सोचने लगेंगे कि इसके बारे में तो मैं पहले से जानता हूँ। अनन्या पांडे की नई फिल्म CTRL जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है कुछ ऐसी ही है। इस वीडियो में हम उस मूवी का रिव्यू करेंगे, सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि नेला और जो एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर कपल है जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा रीच रखते हैं। एक दिन नेला प्लान करती है कि वो जो को लाइव सरप्राइज देगी, लेकिन वो सरप्राइज उस पे उल्टा पड़ जाता है क्योंकि जो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। ये सब लाइव टेलीकास्ट हो जाता है और सारे लोग देख लेते हैं। इंटरनेट पे इस चीज को लेकर नेला को काफी ट्रोलिंग भी मिलती है और इससे परेशान होकर नेला फाइनली डिसाइड करती है कि वो एक एआई ऐप का सहारा लेगी जो कि जो की मेमोरी डिलीट करने में उसे हेल्प करेगा। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गलती होता है क्योंकि इसके बाद ही जो गायब हो जाता है। नेला को फिर पता चलता है कि जो के कुछ और दोस्त भी गायब हो चुके हैं। तो क्या हुआ था आखिरकार जो के साथ और ये सब के पीछे का रीजन क्या है? वेल, ये जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे जाके ये सीरीज देखनी होगी। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो इस फिल्म का ओवरऑल स्टोरी मुझे थोड़ा आउटडेटेड सा फील हुआ और जो फैक्ट इस मूवी में दिखाए गए हैं वो पहले से ही हम जानते हैं। फिल्म में मुझे वैसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं लगा। ये फिल्म हमें वही सेम डीप फेक एआई और प्राइवेसी कंसर्न के बारे में बतलाता है। इस तरह के कई फिल्म्स ऑलरेडी ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो इस फिल्म की स्टोरी थोड़ा सा भी एक्साइट नहीं करती है। इस पूरे फिल्म में जो इकलौती पॉजिटिव बात लगी वो थी अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस, जो कि उनके पिछले फिल्मों से धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है और विथ टाइम वो एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस के रूप में अपने आप को साबित कर रही है। फिल्म का म्यूजिक और स्क्रीन प्ले भी काफी एवरेज सा था। फिल्म में अन्य किरदारों के भी एक्टिंग ठीक ठाक से थे। हम इस फिल्म को अपनी तरफ से 5 में से 2 स्टार देंगे। वैसे इस फिल्म में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म काफी आउटडेटेड सा लगता है और ये टॉपिक काफी ज्यादा बाकी सारे फिल्मों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। अगर आप फिर भी अनन्या पांडे के फैन हैं, तो 90 मिनट्स का इस थ्रिलर फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।